डीआरवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं प्रभाकर अनंत राय एक बार पुनः श्रीमद् भगवत गीता गंगा यात्रा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले एपिसोड से हम सभी लोग कर्ता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज का एपिसोड भी कर्ता के गूढ़तम रहस्य को जानने में सहायक होगा। तो आइए चलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जागृत करने के लिए उसके वास्तविक स्वरूप से उसका परिचय कराने हेतु क्या कह रहे हैं। यस्तौ इन्द्रियाणि मनसा न्यमरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग असक्त सविशिष्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मन के द्वारा अपने इंद्रियों का नियमन करते हुए अपनी कर्मेंद्रियों को कर्मयोग में संलग्न करते हुए अनासक्त भाव को प्राप्त होता है, वह मनुष्य विशेष है, विशिष्य है। अगर हम ध्यान से देखें तो मनुष्य के उत्पत्ति के कारण उसकी कामनाएं हैं, उसकी वासनाएं हैं, जिनके पूर्ति हेतु वह शरीर धारण करता है। और उस कामनाओं को जब वह अपने अगल बगल देखता है तो उन्हें प्राप्त करने में अपना सुख अनुभव प्राप्त होगा, ऐसा विचार करते हुए वह अपनी कर्मेंद्रियों को वासनाओं की पूर्ति हेतु संलग्न कराता है या उसके पीछे दौड़ कराता है। लेकिन उसकी जो दौड़ शुरू होती है वह तो यह सोचता है कि इन विषयों के प्राप्ति के पश्चात उसे सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। लेकिन उसे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती, उसे अशांति और दुख की प्राप्ति होती है। इस वासनाओं को जिसके प्राप्ति हेतु वह जीवन प्रयत्न दौड़ते रहता है और दुख का अनुभव करता है। कृष्ण कहते हैं कि ये वासनाओं का मूल केंद्र वो विषय नहीं है। वासनाओं का जो मूल केंद्र है वह है उसका मन। वासनाएं उसके मन के अंदर अधिष्ठ हैं। इन वासनाओं का अगर हम देखें तो दो स्थान है। एक स्थान है यह संसार जो उसकी इंद्रियों द्वारा आभासित हो रहा है, उसे संज्ञान में आ रहा है, और एक स्थान है उसका मन जो उसके अंतरात्मा में, उसके स्वभाव में नहीं थे। और ये वासनाएं बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में, अव्यक्त अवस्था में उसके मन के अंदर केंद्रित हैं। और जब वह अपने मन के अंदर केंद्रित वासनाओं से मिलता जुलता पदार्थ, मिलता जुलता विषय जब इस संसार में देखता है तो वह उसके पीछे दौड़ लगाता है, उसे प्राप्ति करने की इच्छा उसके मन में जागृत होती है। इस बाह्य संसार में जो विषय है और उसके जो मन के अंदर जो विषय है, इसे जो जोड़ने का काम
जो करता है वो है उसकी इंद्रियां। इस इंद्रियों के भी दो भाग हैं, एक भाग है जो स्थूल भाग है, जो हमारे इंद्रियों के द्वारा समझ में देखने में आता है, लेकिन इसका एक सूक्ष्मतम अतिंद्रिय भाग है जो बहुत ही अव्यक्त है और मन की गहराई में डूबा हुआ है। जब बाह्य विषय, उदाहरण के रूप में कोई सुंदर दृश्य हमारी आंखों के समक्ष जब आता है, तो हमारी जो स्थूल आंखें हैं वह उसे देखती हैं, लेकिन ये आंखें तभी देखती हैं जब हमारे उस मन में स्थित अतिंद्रिय भी उस विषय के साथ जुड़ती है। अगर हमारा मन उस इंद्रिय के साथ, उस विषय के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होता, तो विषय हमारी आंखों के समक्ष होते हुए भी हमारे संज्ञान में नहीं आता है। लेकिन अज्ञानी जन इस विषय के कारण, इस वासनाओं का जो कारण है वह बाह्य विषय को और इंद्रियों को मानते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये इंद्रियां विषय या उत्पत्ति का कारण नहीं है। ये इंद्रियां तो एक चेरी हैं, इंद्रियां एक इंस्ट्रूमेंट हैं जो बाह्य विषय और आंतरिक भाव को जोड़ने का काम करती हैं। वास्तविक जो विषय का केंद्र है, वास्तविक जो वासना का केंद्र बिंदु है, वह है मन। इसलिए इस श्लोक के, इस सूत्र के पहले भाग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंद्रियों को मन के द्वारा नियमन करने का प्रयास करता है, जो वासनाओं को मन के तल पर समझने का प्रयास करता है, जैसा कि हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया था कि कुछ लोग इंद्रियों को प्रताड़ित करते हैं, शरीर को प्रताड़ित करते हैं, कर्मेंद्रियों को रोक देते हैं, जैसा कि अर्जुन रोक करके बैठा है, लेकिन यह क्षणिक होगा। कोई भी विषय उसको दबाने से, उसका दमन करना, उसे समाप्त करने का या उससे बाहर जाने का मंत्र नहीं है। उसका शमन करना, उसका संयमन कि आखिर ये विषय उत्पन्न कहां हो रहा है, ये जो वासना है, ये जो लालच है, ये जो इच्छा है, इसका केंद्र बिंदु क्या है, इसका कारण क्या है, इसे वास्तविक रूप से समझना, उसकी जड़ तक जाना और जब और उसे धीरे धीरे उसका नियमन करते हुए उससे बाहर आना, उसका सही समाधान है। अर्जुन या हम सब, हम उस किसी भी विषय की गहराई में, अपने मन के अंतःकरण में नहीं जाते हैं, हम उसे बाहर उसका दमन करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे अनेक पंथ भी हैं, ऐसे अनेक लोग हैं, ऐसे अनेक ज्ञानी जन भी हुए जिन्होंने विषयों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि विषयों को से इंद्रियों को तोड़ना, इंद्रियों का दमन करना सही नहीं है। इंद्रियों का नियमन मन के तल से करना चाहिए, मन के द्वारा करना चाहिए, उसका संयमन करना, नियमन करना सही मार्ग है। और वो नियमन कैसे होगा, अगले भाग में कृष्ण करते हैं कि कर्मेंद्रिय कर्मयोग, कि जो कर्मेंद्रियां हैं उसे कर्म योग में लगाना पड़ेगा। अब योग हमारे एनर्जी का, हमारे कर्मेंद्रियां का उपयोग हम दो तरह से कर सकते हैं। एक उपयोग होता है
कि हम उसे भोग में लगाएं, हम वासनाओं के लिए कर्म इंद्रियों का और अपने जीवन की एनर्जी को लगाएं, और दूसरा उपयोग होता है कि उसका हम उसके संयमन के लिए लगाएं, अपने मन के शांति के लिए लगाएं, लोकहित में लगाएं, स्वयं के लिए नहीं, परहित सरसि धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है? जो दूसरे के लिए, तो लोगों लोकहित के लिए जो कार्य किया जाता है, और जो कार्य कर्म इंद्रियों को, जो हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसको जब हम परहित के लिए लगाते हैं, लोकहित के लिए लगाते हैं, लोकायन के लिए लगाते हैं, तो वह धीरे धीरे परिशुद्ध होते हुए वह चेतना, वह व्यक्ति, वह मन योग का रूप धारण करता है, और वह शुद्ध मन का रूप के रूप में प्रकटित होता है। उसकी वासनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब हमारा मन शुद्ध होगा, शांत होगा, तो हमारा विवेक जागृत होगा। तो अतः हर वो कार्य जो विवेक युक्त होगा, संज्ञान युक्त होगा, वह कार्य योग को प्राप्त होगा, वह कार्य जीवन की मुक्ति में सहयोग करेगा, लोकहित में सहयोग करेगा। अतः हर एक कार्य जो परहित के लिए किया जाएगा, लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा, लोगों के सुख के लिए, जनता के दुख के लिए नहीं, सुख के लिए, उनके शांति के लिए किया जाएगा, वह कार्य योग का रूप धारण करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपनी कर्मेंद्रियों को जो योग में आरूढ़ करेगा, जो स्वयं की वासना से ऊपर उठ करके और सदा अपने मन को नियमन करते हुए आगे बढ़ेगा, वह व्यक्ति विशिष्ट है। इसमें एक और शब्द भगवान श्री कृष्ण यूज करते हैं, वह है अनाशक्तः सविशिष्यते। अभी भी आसक्ति तो बची है, योग हमारी अपेक्षाएं तो रहती हैं, हम अच्छे और बुरे से भी तो संलग्न हैं, या हम कार्य स्वार्थहित करें या निस्वार्थ रूप से करें। लेकिन यहां पर जो अनाशक्त शब्द का उपयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया है, यह बहुत ही मार्मिक और बहुत गूढ़ रहस्य लिए हुए है। ये अनाशक्त के ऊपर हम आगे बृहद चर्चा करने वाले हैं। यह योग अर्थात एक व्यक्ति सदकार्य और दुर्जन कार्य, सत और असत, ये दोनों के बाहर अगर आसक्ति है, दैवी गुण और आसुरी गुण, वासना के लिए किया गया कार्य या योग के लिए किया गया कार्य, इन दोनों गुणों के बाहर, इन दोनों कार्यों के बाहर जो व्यक्ति आता है वह विशेष होता है। इसलिए हम अनाशक्त की एक अलग टॉपिक ही लेने वाले हैं, जो अगले एपिसोड में हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस मन के द्वारा संयमित करते हुए जो व्यक्ति इंद्रियों को समझने का प्रयास करेगा, जो व्यक्ति अपने कर्म इंद्रियों को परहित के लिए समाज के लिए, समाज हित के लिए लगाएगा, वह व्यक्ति विशिष्ट है, यह भगवान कहते हैं। और यह युद्ध, जो युद्ध हो रहा है वह समाज हित के लिए हो रहा है, अन्याय के विरुद्ध धर्म का युद्ध हो रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने कर्म इंद्रियों को मत रोको और
युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और इससे हम सभी लोगों को भी यह संज्ञान, यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्मेंद्रियों को नहीं रोकना है, अपने कर्मेंद्रियों की जो दिशा है, अपने कर्मेंद्रियों का जो उद्देश्य है उसे बदलना है, और अपने मन को समझने के लिए अगर हम विचार करें तो हमें अपने मन के साथ रहना होगा। हमें अगर किसी को मित्र बनाना है तो उसके साथ रहना पड़ता है, किसी भी चीज को अगर जानना है तो उसके करीब जाना पड़ता है। तो जब तक हम अपने मन में उठने वाले विचारों को, अपने मन के स्वभाव को, अपने मन के पसंद और नापसंद को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम कर्मयोग और इंद्रियों का सही नियमन नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपने मन के करीब मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा भी करूंगा कि पूरे दिन में कभी न कभी जब समय मिले अपने मन के करीब जाइए। ध्यान की जो प्रक्रिया है, पूजा की जो प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रियाएं क्या हैं कि किसी न किसी रूप में हर एक मनुष्य अपने मन के करीब जाए। हमारे मन से हमसे करीब और कौन है? हम अपने मन को नहीं समझते, हम बाहर के विषयों को इंद्रियों द्वारा देखते हुए उसके पीछे एक दौड़ में शामिल रहते हैं, लेकिन उस दौड़ के पीछे जो मन है, उस मन को समझते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कर्म योग में हमारी इंद्रियां स्वतः अपने आप प्राणमुख हो जाएंगी और हम एक विशेष पुरुष के रूप में इस समाज में प्रतिष्ठापित होंगे। ऐसा समय आप सभी लोगों के जीवन में आए। बस आज के लिए इतना ही। इस तरह के प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए आप सभी लोग DRV न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। मुझे प्रभाकर अनंत राय और DRV न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।